मॉर्निंग. कंज्यूमर बिहेवियर सब्जेक्ट में जो हमारा सेकेंड यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग वर्ड जो है उसको हम जो समझते हैं वो डिसीजन हम कब लेते हैं, किस कंडीशन में लेते हैं, ये जनरली हमने मैनेजमेंट सब्जेक्ट में भी पढ़ा है फर्स्ट ईयर में. बट यहाँ पर हम कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं. तो कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता जो ख़रीदने वाला होता है किसी भी चीज़ को, तो वो जो निर्णय लेता है, डिसीजन मेकिंग को हम निर्णयन कहते हैं हिंदी में, तो उसका जो भी डिसीजन लेने का तरीका वो क्या होता है या वो किस बिहाफ पे किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर जो डिसीजन लेता है हम उसे कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग कहते हैं. अब देखिए इसको हम समझ लेते हैं. कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व द कंज्यूमर. ये जो प्रक्रिया होती है वो किसको इन्वॉल्व करती है? कंज्यूमर को. टू आइडेंटिफाई देयर नीड्स, ताकि वो अपनी नीड यानी कि ज़रूरतों को क्या कर सकें, पहचान सकें. गैदर इन्फॉर्मेशन, जो सूचना उस प्रोडक्ट यानी कि गुड्स या सर्विस से रिलेटेड है उस इन्फॉर्मेशन को क्या करें, वो गैदर करें. कौन सी इन्फॉर्मेशन को जो उनके लिए क्या है, यूज़फुल है, जो उनके उपयोग में आएगी. मान लीजिए कोई भी चीज़ मैं ख़रीदना चाहती हूँ तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट यानी कि जो मेरी आवश्यकता है उससे रिलेटेड जो मुझे उसके बारे में जानकारी चाहिए वो मेरे लिए यूज़फुल है. अब जो चीज़ मुझे नहीं ख़रीदना है या उसकी जानकारी अगर मुझे कोई भी दे रहा है, रीसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एक्स वाई जेड कोई भी, तो वो मेरे लिए कोई भी ज़रूरी बात नहीं है क्योंकि मुझे उस चीज़ की आवश्यकता नहीं है. अभी यहाँ पर वो बात हो रही है जो चीज़ हम ख़रीदना चाहते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत है, उससे रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे कि वो चीज़ कितने की है, कैसे यूज़ करना है, क्या ड्यूरेबिलिटी है, क्या गारंटी वारंटी है, किस पर्पज़ के लिए है, उसको ज़्यादा यूज़ करना, मतलब हम कितना एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जब तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से जो भी इन्फॉर्मेशन है. फिर इवेल्युएट अल्टरनेटिव्स. अलग अलग जो कंपनीज़ होती हैं या उसके जो अलग अल्टरनेटिव ब्रांड्स हैं या उनके जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होते हैं उनका भी हम क्या करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं यानी कि मूल्यांकन करते हैं. ठीक. फिर एंड देन मेक देयर बाइंग डिसीजन. फिर उसके बाद जो कंज्यूमर होता है वो एक निर्णय लेता है कि अब एक्चुअली में उसे क्या बाय करना है, क्या नहीं करना है. द कंज्यूमर बिहेवियर मे बी डिटरमाइंड बाय इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर. जो कंज्यूमर का बिहेवियर होता है ये दो फैक्टर यानी कि जो दो तत्व होते हैं उनके द्वारा जो है हम डिटरमाइंड करते हैं. एक होता है आपका इकोनॉमिक यानी कि जो क्लासेस डिवीजन ह्यूमंस ने किए हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, इस बिहाफ पे जो हम कस्टमर को क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं. फॉर एग्जांपल जब हम किसी भी शॉप पर जाते हैं, कोई सी चीज़ हमें ख़रीदना है, तो वो सबसे पहले हमसे एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, आपका बजट कितना है या हम किस रेंज की चीज़ आपको बताएं. तो वो ये पूछने का ये सेंस नहीं होता है कि वो आपको एम्बेरस करना चाहता है. एक्चुअली में वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है उनकी कंज्यूमर से रिलेटेड उसको क्या कर लेते हैं, फ़िल्टर कर लेते हैं. जब हम उन्हें बता देते हैं कि हमारा किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए बजट इतना है, इतना इन द सेंस बहुत ज़्यादा हाई नहीं, मतलब मीडियम रेंज होनी चाहिए, तो उनको ये चीज़ समझ आती है कि अब मुझे मतलब मेरी शॉप में या जो मेरे शोरूम में जितना भी स्टफ़ है यानी कि जितना भी माल वगैरह है वो मुझे सारी चीज़ें नहीं दिखाना है कस्टमर को. एक्चुअली में जो वो चाहते हैं मुझे वही दिखाना है क्योंकि इससे उनका टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी, तो वो आपको वही चीज़ दिखाएंगे एक्चुअली में जो आप परचेस करना चाहते हैं, जितना आपका बजट है. तो ये इकोनॉमिक जो हमारा एक फैक्टर होता है उसका एक एग्जाम्पल था. फिर होता है एक साइकोलॉजिकल फैक्टर. कुछ लोग एक ही नज़र में कोई भी चीज़ को क्या करते हैं, पसंद करते हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेते हैं और अगर उन्हें लगता है कि हाँ ये हमारे लिए यूज़फुल है तो वो उसको परचेस करते हैं. कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा बारीकी से किसी भी चीज़ को देखते हैं यानी कि बहुत छोटे छोटे से जो पॉइंट्स होते हैं उन पर फोकस करते हैं, फिर चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं. तो देखिए कस्टमर को उनके साइकोलॉजिकल फैक्टर पर भी इसलिए जज किया जाता है. तो इसका कलर ऐसा नहीं है, इसका मॉडल ऐसा नहीं है, इसका लुक ऐसा होना चाहिए. तो जो रीसेलर्स होते हैं या जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर की, तो वो हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी होती है ताकि हमें जो साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है किसी भी कंज्यूमर का वो पता चले. अब ये जो होते हैं फैक्टर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर. जैसा एनवायरमेंट होता है उस अकॉर्डिंग ये वाले जो फैक्टर्स होते हैं इन्फ्लुएंस होते हैं यानी कि प्रभावित होते हैं. जैसे कि लाइक सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़. मैं आज कोई भी चीज़ ख़रीदना चाहती हूँ सपोज़, और मेरा बजट कितना है, दूसरी चीज़ मेरा सर्कल क्या है, मैं किस सर्कल में उठ बैठ रही हूँ. अगर मैं एक प्रोफेशनल लेडी हूँ, वर्किंग लेडी हूँ, तो इट्स ऑब्वियस मेरी चॉइस थोड़ी सोबर पे जाएगी. अगर मैं होम मेकर हूँ, घर पे बैठने वाली लेडी हूँ, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है. हो सकता है मैं कुछ भी चीज़ ले सकती हूँ, लेकिन अगर मेरा एक
अलग ही सर्कल है, मेरा एक वर्किंग सर्कल है जिसमें मुझे उठना बैठना है, तो मेरी चॉइस काफ़ी सोबर पे जाएगी। तो ये क्या होता है ना, ये हमारा सोशल यानी कि जो भी हमारी सोसाइटी है जिसमें हम उठ बैठ रहे हैं, हम उनके अकॉर्डिंग चीज़ें क्या करते हैं, जब भी हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो एक सोसाइटी को हमारे दिमाग में रखते हैं। मान लीजिए एक बहुत पॉश एरिया में किसी का बंगला है, अब उन्हें कार ख़रीदनी है और काफ़ी अच्छा उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, काफ़ी अच्छी सोसाइटी में वो उठ बैठ रहे हैं, उनका एक जो पूरा कल्चर है वो काफ़ी रिच है, तो जाहिर सी बात है वो ऑल्टो और नैनो पे तो हरगिज़ नहीं जाएंगे, वो एक अच्छी सी कार लेना पसंद करेंगे। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। तो ये सोशल फैक्टर होता है, ये हमारा एक एनवायरनमेंट है जो हम किसी भी चीज़ को परचेस करते हैं तो उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। फिर एक होता है कल्चरल वैल्यूज़। अब हमारे जो कल्चर की वैल्यूज़ है, इसमें मैं आपको बेस्ट एग्जांपल जो होता है कल्चरल वैल्यूज़ में वो होता है फूड का, खाने का। जो भी चीज़ हम खाना पसंद करते हैं, तो हमारा कल्चर यानी कि जो इंडियन कल्चर है इसमें अधिकतर लोग वेजिटेरियन हैं, तो वो नॉन वेज यानी कि स्लॉट को जो है अवॉइड करते हैं। जब हम कोई भी पैकेट फूड लेते हैं, जो कम्प्लीट फूड्स आते हैं उसमें भी हम ये साइंस देखते हैं, तो ये हमारा कल्चर है। हम किसी भी कंट्री में चले जाएँ हम इन चीज़ों को अवॉइड ही करेंगे, ठीक है। तो ये तो जो था आपके कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस थी ये है। अब जो ये कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस है, यानी कि कंज्यूमर जब ख़रीदने वाला होता है कोई चीज़ को तो वो किस बेसिस पे ख़रीदता है, तो देखिए सबसे पहला जो ये क्वेश्चन मार्क बना है इसमें क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ नीड। सबसे पहले तो कस्टमर को ये पता होना चाहिए कि उसकी ज़रूरत क्या है, वो क्या ख़रीदना चाहता है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बिना उसका गुजारा नहीं हो रहा है, तो उसको इस चीज़ की पहचान होनी चाहिए। अब हम मार्केट में चले गए, हमें शॉपिंग करना है, तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम क्या ख़रीदना चाहते हैं, किस चीज़ की हमें ज़रूरत है, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है इन्फॉर्मेशन सर्च। अब जो भी चीज़ हम ख़रीदना चाहते हैं उसको हम सर्च करेंगे, ये पूरा एक लेंस बना हुआ है, हम उस चीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। सपोज़ कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ है तो भाई कितना वोल्टेज है, 3 स्टार है, 5 स्टार है, इन्वर्टर से उसकी कनेक्टिविटी है या नहीं है, तो ये हम इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। इसके लिए हमें कोई अलग से कनेक्शन तो नहीं लेना पड़ेगा, बिल कितना बनेगा, एक्स वाई जेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर हम उसका जो अल्टरनेटिव्स होते हैं उनके साथ क्या करते हैं, एवोल्यूशन करते हैं। ये जो तराजू बने हैं मतलब उसमें हम नाप तोलते हैं उस चीज़ को, तो एवोल्यूशन हो रहा है यहाँ पर। जो भी आपके पास अल्टरनेटिव जो अवेलेबल हैं, मान लीजिए किसी दूसरी कंपनी के भी अवेलेबल हैं, किसी की रेंज ज़्यादा है, किसी की रेंज कम है, किसी की डिज़ाइन अच्छी, किसी की डिज़ाइन अच्छी नहीं है, किसी का वोल्टेज या जो वॉट है वो ज़्यादा है कम है, तो हम उसको हर तरीके से क्या करेंगे, एवोल्यूशन यानी कि उसका मूल्यांकन करेंगे। फिर ये बकेट बनी है जिस पर हम शॉपिंग करते हैं। अब हमने डिसीजन ले लिया है कि एक्चुअली हमें क्या परचेस करना है, कौन सी ब्रांड जो है हम परचेस करना चाह रहे हैं, कितना बजट है हमारा, सारी चीज़ों का जो था हमने सब कुछ एवेल्युएट करके हमने फाइनली एक डिसीजन ले लिया है कि अब हमें ये परचेस करना है। फिर एट द एंड पोस्ट परचेस एवेल्युएशन। पोस्ट यानी कि क्या होता है, बाद में जब आपने किसी चीज़ को ख़रीद लिया है, परचेस कर लिया है, अब उसके बाद में जो आपका मूल्यांकन क्या है, क्योंकि एक्चुअली में जो चीज़ें हम देखते हैं उसको देखने में और उस चीज़ को यूज़ करने में फ़र्क होता है, तो अब हमारा जो पोस्ट परचेस डिसीजन है वो एक्चुअली में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का लेके जो हमारा परसेप्शन है अब वो क्या है। पहले तो कुछ और था, हो सकता है अब आप उससे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हों, तो आप उसको काफ़ी अच्छी रेटिंग दें, क्योंकि आजकल फीडबैक सिस्टम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, हम लोग रिटर्न में ये काम करते हैं, फीडबैक दे के आते हैं, स्टार रेटिंग करते हैं, बता के आते हैं भाई कि ये कमी है, तो जो कंपनी होती है उसमें क्या करती है, सुधार लाने की कोशिश करती है। तो ये पूरी जो थी आपकी कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस थी, कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग, तो ये चीज़ें होती हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में आता है, तो उसको अच्छी तरीके से आप जो है स्टडी कर लीजिएगा, और इनमें जो भी डाउट हो वो आप लोग व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ लीजिएगा।